आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने दी, किस तरह से उस जिम्मेदारी को आप निभाएंगे? मैं पार्टी के अध्यक्ष राहुल जी का और तमाम सीनियर लीडर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया गया है यंग का एंड सीनियर लीडर का। बाला साहब थोराट जी जो है वो अध्यक्ष है, नितिन राहुल जी है, यशोमती ठाकुर है, विश्वजीत कदम है, बसवराज पाटिल है। तो रीजन वाइज भी कॉम्बिनेशन मेरे ख्याल से रखा गया है। और जिम्मेदारी जो है अभी जिस तरह से भी प्रदेश अध्यक्ष और हम लोग बैठ करके रखी करेंगे और जो AICC का गाइडलाइंस होगा उस तरह से करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले इस असेंबली चुनाव में पार्टी का परफॉर्मेंस जो है बेहतर होगा, अच्छा होगा। एज अ वर्किंग प्रेसिडेंट आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी अब संगठन में? ये विधानसभा लक्षात घेऊन पक्षाने अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष राहुल गांधी आणि सी दिवसी यांनी हा महाराष्ट्राचे इन्चार्ज असलेले सचिवांनी हा प्रस्ताव पारित केलेला आहे आणि आम्हाला त्या ठिकाणी कार्याध्यक्ष म्हणून नेमणूक केलेली आहे। येणारी विधानसभेमध्ये अत्यंत कमी वेळामध्ये आम्हाला अत्यंत चांगला परफॉर्मन्स देण्याची आमची ही आमचा ही प्रयत्न राहणार आहे। आणि म्हणून पाच अध्यक्ष केलेले आहेत, तर महाराष्ट्रातले पाच रिजनमध्ये जाऊन प्रचार यंत्रणा राबवणं, प्रचार करणं आणि त्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोचणं, जनसंपर्क करणं, संघटना बळकट करणं, मतदारसंघामध्ये लोक कसे निवडून येतील याच्यासाठी प्रयत्न करणं, हा आमचा बेसिक फंडा काम आहे।